नमस्कार दोस्तों, जब भी मैं अपना मोबाइल रिचार्ज वोडाफोन ऐप से करता हूँ तो मुझे 20 रुपये का कैशबैक मिलता है और वो कैशबैक मैं नेक्स्ट रिचार्ज में यूज कर लेता हूँ। तो आप भी ऐसा यूज में ले सकते हो। तो चलिए आज मैं रिचार्ज में उसको रिडीम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ माई वाउचर में, तो देख लीजिए जो मुझे पिछली बार मिला था 20 रुपये कैशबैक, उसी को मैं यहाँ पर रिडीम कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर 249 का सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसका देख लीजिए यहाँ पे 20 रुपये माइनस हो गया। अभी मैं पे सिक्योरली पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद अभी आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो हर बार मैं अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करता था, इस बार मैं आपको फोन पे से करके बताऊँगा। ये रहा फोन पे, तो इसी से मैं पेमेंट करूँगा इस बार का। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट दिखाई दे रहा होगा कि आपको इतने का रिचार्ज करना पड़ेगा। और साथ में आपको यहाँ पर अपना जो अकाउंट लिंक है फोन पे से वो दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप दूसरे अकाउंट से रिचार्ज करना चाहते हो तो आप ऐड अनदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करके दूसरा बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो। तो चलिए मैं यहीं पर टिक रहने देता हूँ अपना जो एक ही अकाउंट है उस पर, और मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने सेंड पर क्लिक किया और सेंड पे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ अपना यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मैं यूपीआई पिन डाल देता हूँ। तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग, तो देख लीजिए हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो देख लीजिए ऊपर भी लिख के आ रहा है कि आपका जो यूर ट्रांजैक्शन फॉर दिस नंबर वाज सक्सेसफुल। तो देख लीजिए मुझे वापस से 20 रुपये कैश बैक मिल गया है यहाँ पर। अभी मैं नेक्स्ट रिचार्ज में इसको रिडीम कर लूँगा। तो इस प्रकार से आप भी घर बैठे वोडाफोन एप्लीकेशन से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो।